पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर मिले 51 हाथी को आखिरकार 35 साल बाद कंबोडिया रवाना कर दिया गया। रवानगी से पहले उसके लिए धूमधाम से विदाई समारोह का आयोजन हुआ। 51 नाम का हाथी इस्लामाबाद के मरजार चिड़ियाघर में लोगों के मनोरंजन का मुख्य केंद्र बना हुआ था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हाथी के लिए खास कंटेनर तैयार किया गया। रूस से मंगाए गए स्पेशल प्लेन में हाथी के साथ 8 टेक्निकल स्टाफ और 2 डॉक्टरों की टीम शामिल है। अकेला रह जाने वाले हाथी की विदाई पर लोग भावुक हुए। उसकी विदाई समारोह का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2012 में साथी हथनी की मौत से 51 बिल्कुल अकेला रह गया था। साथी की मौत के बाद उसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसके एकांतवास को खत्म करने के लिए जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने सरकार पर दबाव डाला। रेस्क्यू की मुहिम को आवाज देने के लिए अमेरिकी सिंगर चेर भी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद पहुंची। 2019 में पाकिस्तान के एक वकील ने अदालत में याचिका दाखिल कर चिड़ियाघर से 51 को दूसरे जगह भेजने की मांग की थी। एडवोकेट ने उसकी सेहत का हवाला देते हुए रहने के लिए आवास को बहुत छोटा बताया था। बता दें 1985 में श्रीलंका की सरकार ने जब पाकिस्तान को हाथी भेंट किया था तब उसकी उम्र महज 1 साल थी।